हेलो चिल्ड्रन हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है स्पीड तो स्पीड इज द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड स्पीड वो रेट है जिससे डिस्टेंस कवर होती है तो अगर डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर हो रही है तो हम कहेंगे स्पीड ज्यादा है अगर डिस्टेंस धीरे धीरे कवर हो रही है हम कहेंगे स्पीड कम है तो इसे इंग्लिश में कैसे कहा जाता है स्पीड इज द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड स्पीड वो रेट है जिस रेट के हिसाब से डिस्टेंस को कवर किया जाता है और स्पीड का फॉर्मूला तो आप एट्थ स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये बहुत ही कॉमन सेंस डेफिनेशन है स्पीड की देखो स्पीड टाइम के इन्वर्स प्रोपोर्शन है और डिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि अगर छोटे से छोटा टाइम हो और उस छोटे से छोटे टाइम में बड़े से बड़ा डिस्टेंस अगर कवर कर लिया जाए तो स्पीड ज्यादा होती है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे तो स्पीड ज्यादा टाइम अगर बहुत हो गया डिस्टेंस अगर थोड़ा सा है तो स्पीड कम तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस मतलब ज्यादा स्पीड ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस मतलब कम स्पीड और स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड स्केलर क्वांटिटी है यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती चिल्ड्रन स्पीड बढ़ सकती है कम हो सकती है और जीरो भी हो सकती है पर स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती तो कभी माइनस फाइव मीटर पर सेकंड की स्पीड नहीं हो सकती स्पीड नेगेटिव नहीं होती स्पीड हमेशा पॉजिटिव या जीरो ही रहेगी तो इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए तो चिल्ड्रन अभी अभी हमने जो पॉइंट्स देखे उन पॉइंट्स के हिसाब से इन पांच ग्राफ में से कौन से ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है बताओ पांच ग्राफ में कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है वीडियो को पॉज करो और सोचो तो चिल्ड्रन करेक्ट आंसर है दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ दे आर नॉट पॉसिबल क्यों ये दोनों ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है चिल्ड्रन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती पर यहां देखो स्पीड नेगेटिव हो गई ये देखो ये सब नेगेटिव वैल्यूज है ना यहां पे जो स्पीड की वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी बेटा देखो ये ओरिजिन के नीचे है ओरिजिन के नीचे नेगेटिव माना जाता है तो यहां पे जो भी स्पीड है यहां पे जो भी स्पीड है ये सारी स्पीड नेगेटिव हो जाएंगी तो यहां पे नेगेटिव स्पीड्स हो जाएंगी जो अलाउड नहीं है तो नेगेटिव स्पीड्स आर नॉट अलाउड अब इसमें क्या गड़बड़ है इसमें तो नीचे नहीं गया ग्राफ तो इसमें क्या गड़बड़ है इसमें गड़बड़ यह है चिल्ड्रन अगर आप एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करो ये देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस टाइम को नाम दे देते हैं टी तो इस टाइम को नाम दे दिया टी तो ये जो टाइम है ये पूरा टी है अब इस टी टाइम के लिए दो दो स्पीड्स है देखो यह स्पीड वन और यह स्पीड टू तो एक ही टाइम पे दो दो स्पीड हो सकती है क्या नहीं हो सकती फॉर दिस टाइम टी यू कैन नॉट हैव टू स्पीड एक वक्त पे दो स्पीड नहीं हो सकती एक वक्त पे एक ही स्पीड होगी सो इवन दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एट वन टाइम फॉर दिस वन टाइम वी हैव टू स्पीड्स विच इज नॉट पॉसिबल तो ये ग्राफ ऐसा ऐसा जाके ऐसा रिटर्न आ रहा है तो पहले देखो टाइम बढ़ रहा है 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 फिर टाइम कम होने लगा ऐसा होता है क्या टाइम बढ़ते हो बढ़ते 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 आप पास्ट में चले जाते हो क्या रिवर्स टाइम होता है क्या नहीं तो ये ग्राफ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए ये ग्राफ ऐसा पीछे नहीं आ सकता एक टाइम पे दो दो स्पीड पॉसिबल नहीं है अगला कंसेप्ट है स्पीड के टाइप स्पीड दो टाइप की होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड तो ये दो टाइप है स्पीड के तो इंस्टेंटेनियस स्पीड समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड एग्जाम्पल मैं देता हूं आपने कार वगैरह तो चलाई होगी कार में एक स्पीडोमीटर होता है कांटा होता है वो इस तरह से ऐसे 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 हिलता रहता है तो आप कार पे कार का जो स्पीडोमीटर है स्पीडोमीटर अगर 20 मीटर पर सेकंड दिखा रहा है या 20 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है तो वो स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा है उस वक्त की स्पीड दिखा रहा है तो स्पीडोमीटर क्या दिखाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं तो अगर दो बजे की स्पीड है चार मीटर पर सेकेंड तो दो बजे की इंस्टेंटेनियस स्पीड है चार मीटर पर सेकेंड अगर पांच बज रहे हैं और पांच बजे गाड़ी की स्पीड है दस मीटर पर सेकेंड तो द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट फाइव ओ क्लॉक इज टेन मीटर पर सेकेंड तो पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं और स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है अगला कंसेप्ट है एवरेज स्पीड तो चिल्ड्रन एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यहां से इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो रही है एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड का ये एक ही फॉर्मूला है यही सबसे बेसिक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का टोटल कितना डिस्टेंस चला अपॉन टोटल टाइम कितना लिया इसे कहेंगे हम एवरेज स्पीड ओके तो ये है पहला काम का फॉर्मूला एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अब चिल्ड्रन इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं तो इसका कोई इन दोनों के बीच में कोई खास रिलेशन है नहीं तो देर इज नो रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड ज्यादा कम भी हो सकती है एवरेज स्पीड से या इक्वल भी हो सकती है एवरेज स्पीड के तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू एवरेज स्पीड ये आपको याद रखना है हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम में आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है हो सकता है ना कि थोड़ी देर के लिए आपने गाड़ी बहुत फास्ट कर दी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड उस वक्त एवरेज स्पीड से ज्यादा हो जाएगी हो सकता है आपने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दी तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो हो जाएगी तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड से कम हो जाएगी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड से ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है तो चलो ना एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन करते हैं एक पर्सन है वो दस किलोमीटर चलता है हंड्रेड किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर वो बीस किलोमीटर चलता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर वो और 20 किलोमीटर चलता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो चिलन एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल टाइम पता होना चाहिए जर्नी का तो जर्नी के तीन पार्ट है पहले दस किलोमीटर फिर बीस किलोमीटर फिर बीस किलोमीटर तो हम इसको तीनों पार्ट्स को एनालाइज करते हैं केस वन केस वन में डिस्टेंस कितना चला किलोमीटर किस स्पीड से हंड्रेड किलोमीटर पर आवर तो क्या हमें पता चल जाएगा केस वन में कितना टाइम लगा बिल्कुल स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड है हंड्रेड किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस है टेन किलोमीटर तो टाइम हो जाएगा टेन बाय हंड्रेड यानी कि जीरो पॉइंट वन आवर चिलेन ये किलोमीटर में ये भी किलोमीटर में है ओके तो डिस्टेंस दोनों किलोमीटर में तो टाइम किस में आएगा आवर में तो टाइम है जीरो पॉइंट वन आवर उसी तरह से केस टू देखते हैं केस टू में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो है ट्वेंटी किलोमीटर और जो स्पीड है वो है फिफ्टी किलोमीटर पर आवर तो जो टाइम होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो टाइम हो जाएगा 0.4 पॉइंट आवर और केस थ्री में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर तो जो टाइम है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड बाई एट यानी कि वन पॉइंट वन बाई फोर यानी कि जीरो पॉइंट टू फाइव आवर तो अब टोटल डिस्टेंस कितना है टोटल डिस्टेंस है टेन प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फिफ्टी किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है पॉइंट वन आवर प्लस पॉइंट फोर आवर प्लस पॉइंट टू फाइव पॉइंट वन प्लस पॉइंट फोर पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट टू फाइव पॉइंट सेवन फाइव आवर्स तो टोटल डिस्टेंस मिल गया टोटल टाइम मिल गया तो एवरेज स्पीड मिल जाएगी एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस है फिफ्टी किलोमीटर और टोटल टाइम है जीरो पॉइंट सेवन फाइव आवर्स तो अगर मैं इसे ट्वेंटी फाइव से कट करूं ट्वेंटी फाइव टू 25 फाइव थ्री सॉरी तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टू हंड्रेड डिवाइड बाय थ्री विच इज सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स किलोमीटर पर आवर ये है एवरेज स्पीड तो चिल्ड्रन पिछले क्वेश्चन में हमें आंसर आया किलोमीटर पर आवर में अब कई बार आंसर होता है मीटर पर सेकंड में क्योंकि मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट है तो हमें पता होना चाहिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन है कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। तो देखो इसको ऐसा करना है 36 किलोमीटर पर आवर इसको ऐसा लिख सकते हो 36 किलोमीटर की जगह लिख सकते हो थाउजेंड मीटर और एक आवर में होते हैं थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो आवर की जगह लिख सकते हो थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स इंटू इसको काटेंगे टू से तो ये हो जाएगा फाइव और ये हो जाएगा एटीन तो आंसर हो जाएगा इसका एटीन वन ज़ा एटीन टू ज़ा टेन मीटर पर सेकेंड तो यहां से हमें शॉर्टकट भी मिल गया अगर मैं किलोमीटर पर आवर को फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मीटर पर सेकंड मिल जाएगा तो शॉर्टकट क्या है किलोमीटर पर आवर को 5 बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड मिल जाता है 36 को 5 बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा अब अगला क्वेश्चन उल्टा है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें यह फॉर्मूला तो पता है ना शॉर्टकट तो पता ही है किलोमीटर पर आवर को करना है तो फाइव बाई एटीन अब उल्टा करना है तो मीटर पर सेकेंड को अगर कन्वर्ट करना है तो उसको एटीन बाय फाइव से मल्टीप्लाई कर दो किलोमीटर को मीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड के लिए फाइव बाई एटीन उल्टा करना है मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर करना है तो एटीन बाय फाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा फाइव वन द्री सिक्सटी किलोमीटर पर आवर तो हंड्रेड मीटर पर सेकेंड हो जाएगा थ्री सिक्सटी किलोमीटर पर आवर तो ये शॉर्टकट आप याद रखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाना है तो फाइव बाई एटीन उल्टा मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है तो एटीन बाई फाइव उल्टा कर दो फाइव बाई एटीन का एटीन बाई फाइव कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन एक पर्सन है वो आधा डिस्टेंस वी वन स्पीड के साथ और बाकी आधा डिस्टेंस वी टू स्पीड के साथ ट्रेवल करता है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं V1 स्पीड दी है, V2 स्पीड दी है, एवरेज पूछा है V1 प्लस वी टू डिवाइड बाई टू कर देते हैं कभी भी यह हरकत मत करना एवरेज स्पीड का मतलब है V1 वन प्लस वी टू डिवाइड बाई टू नहीं करना एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एक ही तरीका एवरेज स्पीड निकालने का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो देखो एवरेज डिस्टेंस कैसे निकलेगी मान लेते हैं पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया यह है टोटल डिस्टेंस अब इसकी जो आधी डिस्टेंस है ए से लेके यहां तक आधी डिस्टेंस हुई और यहां से लेके बी तक पूरी डिस्टेंस हुई तो ये जो आधी डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं डी बाई टू एम टॉकिंग ओनली ओनली अबाउट ए टू दिस पॉइंट ओके फ्रॉम ए टू सी द डिस्टेंस इज डी बाई टू फ्रॉम सी टू बी अगेन द डिस्टेंस इज डी बाय टू तो यह आधी डिस्टेंस और यह आधी डिस्टेंस क्वेश्चन में लिखा है आधा आधा डिस्टेंस करना है तो so, आधा डिस्टेंस की स्पीड वी वन है तो so, ए से लेके सी की स्पीड कितनी है वी वन और बाकी आधे डिस्टेंस की स्पीड v2 है C से लेके B की स्पीड v2 है तो मुझे A से लेके C का डिस्टेंस और, और स्पीड पता चल गया C से लेके B का डिस्टेंस और स्पीड पता चल गया क्या मुझे A से लेके C का टाइम पता लग सकता है बिल्कुल स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो ए से लेके सी तक जो टाइम लगा उसको टी वन लिख देता हूं वो हो जाएगा डिस्टेंस डिस्टेंस है डी बाई टू और स्पीड है वी वन तो टाइम होता है डिस्टेंस विच इज डी बाई टू अपॉन स्पीड विच इज वी वन सिमिलरली सी से लेके बी का जो टाइम हो जाएगा उसे टी टू लिख देते हैं और ये टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डिस्टेंस है डी बाई टू अपॉन स्पीड है टू। तो मुझे ए से लेके सी का टाइम भी पता चल गया सी से लेके बी का टाइम भी पता चल गया अब एवरेज स्पीड क्या होती है एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये है एवरेज स्पीड का वैल्यू तो टोटल डिस्टेंस कितना चला डी बाई टू प्लस डी बाई टू टोटल डिस्टेंस तो डी है और टोटल टाइम कितना है टी वन प्लस टी टू टोटल टाइम तो ये हो जाएगा डी अपॉन टी वन की वैल्यू है डी बाई टू वी वन प्लस टी टू की वैल्यू है डी बाई टू वी टू सो ये हो जाएगा डी इन दोनों का डी कॉमन ले लेते हैं टू भी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू करेक्ट तो डी से डी कट जाएगा और ये टू ऊपर चला जाएगा ये टू जो नीचे है ये ऊपर आ जाएगा ना तो ये हो जाएगा टू अपॉन अब इसका एलसीएम ले, ले लेता हूं मैं ये हो जाएगा वी वन प्लस वी टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं वी वन प्लस वी टू अपॉन वी वन वी टू तो चलो यहां पे जगह नहीं है इसलिए यहां कर देता हूं मैं तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो होगी टू और नीचे का वी वन वी टू ऊपर आ जाएगा टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू तो ये हो जाएगी एवरेज स्पीड तो so, एवरेज स्पीड इज नॉट वी वन प्लस वी टू डिवाइड बाई टू एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला आया है और चिल्ड्रन मैं कहता हूं कि आप ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो लेकिन इस फॉर्मूला के साथ कंडीशन है इस फॉर्मूला के साथ क्या कंडीशन है यूज दिस फॉर्मूला ओनली इफ द डिस्टेंस इज डिवाइडेड इन टू देखो अगर डिस्टेंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ही यह फॉर्मूला यूज करना तो डिस्टेंस के दो हाफ किए ना हमने तो ही यह फॉर्मूला यूज करना तो इस फॉर्मूले को यूज करने का क्या कंडीशन है यूज ओनली इफ डिस्टेंस इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट तो प्लीज राइट दिस इसे कब यूज करना है टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला मिला टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू पर क्या ये हर केस में करेक्ट है इसको कभी भी लगा सकते हैं क्या मुंह उठा के नहीं इसको लगाने की क्या शर्त है यू शुड यूज दिस फॉर्मूला ओनली इफ इन द क्वेश्चन डिस्टेंस इज डिवाइडेड इन सिर्फ डिवाइड नहीं डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट ओके डिस्टेंस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो ही यह फॉर्मूला यूज करने का तो लेट सॉल्व ए क्वेश्चन एक मैन है वो आधा डिस्टेंस सिक्स मीटर पर सेकेंड और बाकी आधा डिस्टेंस ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर करता है उसकी एवरेज स्पीड ढूंढना है तो चिलेन इस क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस को आधे आधे में कर दिया तो जब डिस्टेंस को आधे आधे में करते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होता है टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू क्या ये फॉर्मूला हर वक्त यूज कर सकते हैं नहीं दिमाग में घुसा लो इस बात को बच्चे हर कहीं इस फॉर्मूले को घुसा देते हैं तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों इसको हर जगह नहीं घुसाते इस फॉर्मूले को कहां यूज करते हैं जब डिस्टेंस आधी आधी हो क्या डिस्टेंस यहां पे हाफ हाफ है क्वेश्चन में दिया है हा तो हम यूज कर सकते हैं तो टू वी वन की वैल्यू है सिक्स वी टू की वैल्यू है ट्वेल्व सो विल बिकम ट्वेल्व इन टू ट्वेल्व अपॉन एटीन सिक्स थ्री सा सिक्स टू सा थ्री वन सा थ्री फोर जा सो एवरेज स्पीड इज एट मीटर पर सेकेंड ओके okay? कुछ लोग क्या करते हैं ट्वेल्व और सिक्स का एवरेज निकाल लेते हैं ट्वेल्व और सिक्स का एवरेज होता है 9। 9 आंसर लिख के आ जाते हैं बेटा मैथ्स नहीं चल रहा है यहाँ पे। फिजिक्स चल रहा रहा है है पे फिजिक्स एवरेज स्पीड होता है टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम और क्योंकि डिस्टेंस हाफ ऑफ दी थी इसलिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया अगर हाफ ऑफ नहीं होती तो मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला दिमाग लगाता नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन एक आदमी है वो आधे टाइम के लिए स्पीड वी वन से चलता है और दूसरे आधे टाइम के लिए स्पीड वी टू से चलता है उसकी एवरेज स्पीड क्या है तो एक मैन है तो यहां पे डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है क्या देखो डिस्टेंस आधे आधे में डिवाइड हो रहा है क्या नहीं यहां टाइम के दो टुकड़े हो रहे हैं सो तो पहले जो टाइम था वो टी बाई टू था और दूसरा टाइम टी बाई टू है तो आधे टाइम के लिए स्पीड वी वन दूसरे आधे के लिए स्पीड वी टू एवरेज स्पीड निकालना है वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो एवरेज स्पीड निकालने का तो चिल्ड्रन मी हेल्प यू आउट फिर से वही डायग्राम बनाते हैं ए से लेके बी तक जा रहा है बंदा और बीच में कहीं सी पॉइंट है चिल्ड्रन आप देख सकते हो मैंने सी को ए और बी के बराबर बीच में नहीं किया है क्यों क्योंकि सी हाफ डिस्टेंस नहीं है C is not between A and B. C हम डिस्टेंस को आधा आधा नहीं कर रहे हैं कुछ बच्चे C को बीच में बना देते हैं क्यों भाई क्यों बीच में बनाऊं? Why should I make C right at the center? Tell me। क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल दिए क्वेश्चन में नहीं दिए ना तो चिल्ड्रन A से लेके C का जो टाइम है वो t बाई टू है और C से लेके B का टाइम भी बाई टू है ए से लेके सी का जो स्पीड है वो वी वन है सी से लेके बी का स्पीड भी सॉरी वी टू है तो मुझे ए से लेके सी का स्पीड मिल गया टाइम मिल गया तो डिस्टेंस भी मिल जाएगा डिस्टेंस होता है स्पीड इन टाइम तो जो डिस्टेंस है ए से लेके सी उसको नाम दे देते हैं डी वन D1 डी वन इज स्पीड है वी वन टाइम है टी बाई टू सिमिलरली इस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं डी C टू सी से लेके बी का डिस्टेंस का नाम डी टू और ये डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड है वी टू टाइम है टी बाई टू अब निकालते हैं एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सबसे बेसिक फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कितना है डी वन प्लस डी टू करेक्ट ना यहां से लेके आज डी वन यहां से लेकर आज डी टू टोटल डिस्टेंस है डी वन प्लस डी टू टोटल टाइम कितना है टी बाई टू प्लस टी बाई टू टी टाइम है टोटल अब डी वन की वैल्यू पता है वी वन टी बाई टू प्लस डी टू की वैल्यू भी पता है वी टू टी बाई टू द होल अपॉन टाइम तो इन दोनों में से अगर टाइम कॉमन ले लोगे तो बचेगा वी वन बाई टू प्लस वी टू बाई टू और नीचे भी टाइम है तो ये भी कट जाएगा तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा इस केस में वी वन प्लस वी टू डिवाइड बाई टू तो चिल्ड्रन इस फॉर्मूले का कब यूज करना है इस फॉर्मूले को यूज करना है अगर टाइम को डिवाइड किया है टाइम डिवाइड किया है तो वी वन प्लस वी टू बाई टू डिस्टेंस डिवाइड किया है तो टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू ओके सो बी केयरफुल और वो भी इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए टाइम को बराबर दो टुकड़े होना चाहिए तब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो यूज दिस फॉर्मूला इफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स प्लीज राइट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन अगले क्वेश्चन में अ पर्सन ट्रेवल्स वन थर्ड टाइम विथ स्पीड वी वन एंड रेस्ट विथ स्पीड वी टू तो यहां पे टाइम के टुकड़े हुए हैं तो आंसर है वी वन प्लस वी टू टू करेक्ट रॉन्ग टाइम के टुकड़े हुए हैं लेकिन टाइम के इक्वल टुकड़े हुए हैं क्या आधा आधा टुकड़ा हुआ है क्या नहीं ना वन थर्ड और टू थर्ड टुकड़ा हुआ है अगर एक टुकड़ा वन थर्ड है तो दूसरा टुकड़ा टू टु थर्ड होगा ना चिल्ड्रन तीन पीस करोगे अगर एक पीस के पास वन थर्ड है तो दूसरे के पास टू थर्ड जाएगा तो यहां पे टाइम के टुकड़े तो हुए हैं, पर टाइम इक्वली डिवाइडेड नहीं है देर फोर वी कैनोट यूज द फॉर्मूला वी वन प्लस वी टू डि टू तो आप क्या करें वही बड़ा मेथड फिर से ए से लेके बी तक जाते हैं और सी को यहां कहीं बना देते हैं तो ए से लेके सी तक टाइम है टी बाई थ्री वन थर्ड टाइम है ना इसलिए टी बाई थ्री और सी से लेके बी तक जो टाइम है वो हो जाएगा टू टी बाई थ्री तो इसके पास वन थर्ड टाइम और इसके पास बचा हुआ टू थर्ड टाइम ओके ए से लेके स्पीड है वी वन और C से लेके B की स्पीड है v2 तो so, हमें A से लेके C का डिस्टेंस मिल जाएगा वॉट इज दिस A से लेके C का डिस्टेंस डिस्टेंस होता है स्पीड इन टू टाइम स्पीड है v1 वन टाइम है t बाई थ्री और यहां पे जो डिस्टेंस होगा d2 वो हो जाएगा स्पीड v2 टू इंटू टाइम है टू टी बाई थ्री ना वॉट इज एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस है डी वन प्लस डी टू और टोटल टाइम है टी बाई थ्री प्लस टू टी बाई थ्री टी टोटल टाइम है टी डी वन का वैल्यू मालूम है वी वन टी बाई थ्री डी टू का वैल्यू भी पता है टू वी टू टी बाई थ्री होल डिवाइड बाई टी टी कॉमन लेते हैं तो यह हो जाएगा वी वन प्लस टू वी टू डिवाइड बाई थ्री मैंने थ्री को भी दोनों को दे दिया ओके okay? और नीचे एक टी भी है टी और टी कट जाएगा तो इस केस में जो एवरेज स्पीड है वो हो जाएगा वी वन प्लस टू वी टू डिवाइड बाई थ्री तो चिल्ड्रेन अगर टाइम को आधा आधा डिवाइड नहीं किया है तो ये बेसिक मेथड फॉलो करो अगर टाइम को आधा आधा डिवाइड किया है तो अपने पास फॉर्मूला है v1 वन प्लस वी टू डि नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन एक पर्सन है वो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड से और बची हुई हाफ डिस्टेंस वो दो इक्वल टाइम में कवर करता है विथ स्पीड ट्वेंटी थ्री मीटर पर सेकेंड एंड ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड ढूंढना है तो बहुत सारे बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता तो जरा ध्यान से सुनो क्या लिखा है क्वेश्चन में एक पर्सन है वो आधा डिस्टेंस 12 मीटर पर सेकंड से कवर करता है तो पहले इतने पे ही फोकस करते हैं पर्सन है वो हाफ डिस्टेंस 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करता है तो ड्राइंग बना लेते हैं यह है ए और यह है बी और यह है हाफ डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस है इसलिए बराबर बीच में बता रहा हूं तो ए से लेके सी आधा डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस आधा है इसका नाम दे देते हैं डी बाई टू यहां पे स्पीड कितनी है चिल्ड्रन ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड अब क्वेश्चन पढ़ो द रेस्ट हाफ मतलब ये जो बाकी का डिस्टेंस है सी से लेके बी ये जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस है इस आधे डिस्टेंस को वो दो इक्वल टाइम में कवर करता है यानी ये जो सी से लेके बी है इसमें और डिवीजन है सी से लेके डी का टाइम है, e है T बाई टू और डी से लेके बी का टाइम है टी बाई टू क्योंकि जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको वो इक्वल टाइम में कवर करता है देखो अदर हाफ ये जो दूसरा आधा डिस्टेंस है इसे टू इक्वल टाइम में कवर किया जाता है विथ स्पीड ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फाइव तो यहां पे जो स्पीड है सी से लेके डी की जो स्पीड है वो है ट्वेंटी थ्री और डी से लेके बी की जो स्पीड है वो है ट्वेंटी फाइव तो ये है क्वेश्चन अब एवरेज स्पीड निकालना है तो चिल्ड्रन कैसे करेंगे सबसे पहले मेरा ध्यान सी से लेके बी पे जाना चाहिए यहां पे इक्वल टाइम में टुकड़े हुए हैं। जब इक्वल टाइम में टुकड़े होते हैं तो सी से लेके बी का एवरेज स्पीड पहले निकाल लेता हूं तो सी से लेके बी का एवरेज स्पीड होगा वी वन प्लस वी टू डिवाइड बाई टू क्यों ये फॉर्मूला क्यों यूज किया क्योंकि सी से लेके बी में जो टाइम है वो इक्वल टुकड़े हुए हैं। C से लेके बी का जो टाइम है वो टी बाई टू टी बाई टू इक्वल टुकड़े हुए हैं तो जब टाइम इक्वल टुकड़े होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वी वन प्लस वी टू डिड बाई टू तो एवरेज स्पीड हो जाएगी ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू यानी कि ट्वेंटी फोर मीटर पर सेकेंड अब सिचुएशन कुछ ऐसी है ए से लेके सी और सी बराबर बीच में याद रखना और सी से लेके बी अब डिस्टेंस बराबर बराबर आधा आधा डिवाइड है डिस्टेंस डी बाई टू डी बाई टू यहां पे स्पीड है ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड ये देखो ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड और सी से लेके बी की स्पीड निकाल चुके हम लोग ट्वेंटी फोर तो अब ये क्वेश्चन ये बन गया ये इतना बड़ा क्वेश्चन अब इतना सा बन गया अब जब डिस्टेंस आधा आधा होता है तो एवरेज स्पीड क्या होती है टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू तो ये हो जाएगा टू इंटू ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी फोर तो विल बिकम टू इंटू ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी फोर अपॉन थर्टी सिक्स ट्वेल्व वन सा ट्वेल्व थ्री सा थ्री वन सा थ्री एट जा आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड तो फाइनल आंसर 16 मीटर पर सेकेंड दिस इज़ एवरेज़ स्पीड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद स्पीड के क्वेश्चन और फिर उसमें स्पीड में हम स्पीड ऑफ बोट इन रिवर स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ एको इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे ओके okay?